हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी सभी के लिए। तो आज फिर से मैं आपसे प्लांट्स की बातें करने आई हूँ। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आ पाई, थोड़ा बिजी रहा मेरा सब स्केड्यूल जो था, तो मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई अपने प्लांट्स की। पर ये मैं सोचेगा कि मैं अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर रही, अपने प्लांट्स की केयर मैं वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन मैंने जो शॉपिंग की उसकी मैं आपको फिर से, शॉपिंग तो पता ही है आपको कि प्लांट्स की तो हर थोड़े दिन बाद, अब तो मेरा मुझे लगता है कि यही एम रह गया, बस शॉपिंग करो तो वो भी प्लांट्स की, चलो नर्सरी। तो उसके चलते जो मैंने शॉपिंग की फिर से आपसे बातें करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स मिले हैं, थोड़े से लिए हैं मैंने, लेकिन अपने बजट के अनुसार लेने पड़ते हैं ना, लेकिन मेरे हैं बहुत सुंदर प्लांट्स। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सबसे मिलवाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये वाले दो प्लांट्स रोज के लिए, ये येलो रोज, मेरे पास एक है येलो, उसमें इतना अच्छा फूल नहीं आ रहा था, इसमें बहुत सारी कलियां भी थी, फूल भी आया था, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। एक ये येलो लिया और एक ये वाला मैंने पिंक लिया। अच्छा, इसकी कॉस्ट भी बता देती हूँ मैं साथ में ही आपको। इसको उसने मुझे 150 ईच दिया, क्योंकि उसने बोला ये पॉट में भी है, वरना अगर आप पॉट नहीं लेते तो मैं आपको थोड़ा सस्ता लगा देता, लेकिन अब आप पॉट में ले रहे हैं तो मैं आपको 150 ईच दूंगा। ऐसे डोके मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब उसके बाद मैंने एक और रोज़ लिया, देखिए मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, यहाँ ले आती हूँ आपके पास। नेक्स्ट प्लांट भी रोज़ का है, देखिए कितना सुंदर है ये क्रीपर रोज़, जिसको कहते हैं ना क्लाइंबिंग रोज़, जो क्लाइंब कर जाता है। इसकी तो मैंने वीडियो भी डाली थी, जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और वो शायद 399 ऐसे कुछ रेट्स में आया था, और ये मुझे बहुत सस्ता मिला है। ये उसने मुझे 100 रुपीज़ का दिया है और ये लोकल नर्सरी से लाई हूँ मैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है अमेज़ोन का, और मुझसे सब लोग पूछते रहते हैं उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है उसकी। अगर मैं उसको भी आपको इसके सामने दिखाऊंगी कि कम से कम वो 5-6 months ओल्ड हो गया है, और उसमें एक बार तो एक फ्लावर आया था, उसके बाद तो उसमें सिर्फ लीव्स हैं, वो भी थोड़ी सी हैं, ज़्यादा लीव्स नहीं आ पा रही हैं। तो अब मैं देखती हूँ ये लोकल नर्सरी वाला क्लाइंबिंग रोज़ कैसा चलता है। उसने बोला ये लता वाला, वो तो क्रीपर को लता बोलते हैं ना, बेल, लता वाला रोज़ है, तो मैंने ले लिया उससे। तो देखेंगे अब इसकी ग्रोथ कैसे रहती है, अगर इसकी बढ़िया रही तो बस, मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन से बेटर है खुद नर्सरी जाओ। एक तो इतना मज़ा आता है नर्सरी घूमकर, एकदम ऐसे फील होता है कि आप फ्रेश हो गए हैं, और इतने तरह के प्लांट्स मिलते हैं, नॉलेज बढ़ती है, वॉक तो हो ही जाती है, अच्छी हवाएं भी मिलती हैं हमें। तो चलिए इसके साथ मैं ज़्यादा बातें नहीं, अब दूसरा प्लांट, थर्ड नंबर प्लांट पे चलते हैं। तो देखिए, दो तो मैंने आपको अपने रोज़ दिखाए पिंक और येलो, फिर मैंने आपको क्रीपर रोज़ दिखाया जो क्लाइंबिंग रोज़ भी है, और अब मैंने ये जो मेरा प्लांट है ये है एशियाटिक लिली। इसमें काफ़ी बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं, जब खिलेंगे देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। जब भी हम प्लांट्स लेते हैं, जनरली क्या होता है, जब जो बिगिनर्स होते हैं नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं जिसमें फूल आ रहे हैं वो वाला प्लांट उठाते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसका सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें कि बर्ड्स ज़्यादा आ रही हों, क्योंकि अगर वो फूल खिल चुका है तो वो एक आध दिन में चला जाएगा फूल, और अगर बर्ड्स हैं तो आपके सामने वो बर्ड्स खिलेंगी और कुछ दिन तक फूल आपके घर में खिला रहेगा। तो इसकी जो कॉस्ट दी उसने मुझे 100 रुपीज़ का दिया। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट मेरा प्लांट है देखिए अजेलिया का। इसमें आप देखेंगे कि फ्लावर्स इसमें बहुत सुंदर लग रहे थे खिले हुए, इसके साथ साथ इसमें बर्ड्स भी बहुत सारी थी, और भी उसके पास बहुत सारे थे, लेकिन उसमें कोई फ्लावर नहीं आ रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि किस कलर का खिलेगा। इसलिए मैंने ये देखी, इस तरफ भी इसके, इस वाली स्टेम पे देखेंगे यहाँ भी बहुत सारी इसकी बर्ड्स हैं, हर जगह हैं, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये उसने मुझे 200 बोला था, तो मान लीजिए कि बाद में उसने थोड़ा डिस्काउंट दिया तो 170-180 का रहा होगा, तो इतने का मुझे मिला। और ये देखिए ये प्लास्टिक के पॉट में ही है ये भी, तो इसको इसी तरह से हमें कुछ दिन तो छोड़ देना होगा। वैसे भी जब भी हम नर्सरी से शॉपिंग करके लाते हैं, एकदम आते ही हमें रिपॉटिंग भी नहीं करनी होगी, इससे भी प्लांट्स को मतलब अच्छा नहीं फील होता। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्लांट जो मेरा है, बहुत प्यारा प्लांट है, स्ट्रोमेंथे ट्रायोस्टार, जिसको कि हम कैलेथिया की वैरायटी में आता है, मैरेंटा प्लांट, प्रेयर प्लांट भी कहते हैं। ये इंडोर प्लांट है, और देखिए ये मज़े की बात है, उसने सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में दिया। देखिए अगर आप इसको नीचे देखेंगे तो देखिए एक ही इसकी पैक में, पॉली पैक में मुझे 3 प्लांट्स दिख रहे हैं। तो इनको अगर मैं अलग अलग करके पॉट्स में लगा दूंगी तो मेरे पास 3 इंडोर प्लांट बनने वाले हैं, और एक मैं रखने वाली हूँ, 2 मैं अपनी फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। तो सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे ये मिला। मैं थोड़ा इसको पॉट में रीपॉटिंग करके ग्रो करूँगी, उसके बाद
मैं इसको गिफ्ट में यूज़ करूँगी। तो चलिए ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गया मुझे, अब नेक्स्ट प्लांट पे चलते हैं। तो देखिए हमेशा की तरह फिर से कोलियस, मतलब कोलियस तो बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो जहाँ भी मिल जाता है आप ये कहेंगे ये वाला तो आपके पास है, मैं अपनी बगिया में आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइट कलर्स है। और मज़े की बात है मैं एक दिन सारा कोलियस, बहुत सारा है मेरे पास, मैं दिखाने वाली हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से एक ही प्लांट में अलग अलग तरह के कलर्स के आ रहे हैं। ये पता नहीं कैसा कुदरत का करिश्मा है, ये मुझे भी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो देखिए ये वाला कोलियस तो बहुत सुंदर है, ये वाला कोलियस तो मेरे पास था थोड़ा लाइट कलर में था, ये तो बिल्कुल नहीं था, ये तो बहुत सुंदर है, ये वाला भी नहीं था, ये देखिए कितना सुंदर है। ये उसने मुझे, मैंने 6 लिए उससे, उसने मुझसे 150 रुपीज़ लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है कोरियस इस फूल, हालांकि इसमें फ्लावर्स भी आते हैं लेकिन ये अपने इसके पत्ते जो इसकी फॉलियज है, कलरफुल फॉलियज अपने आप में ही इतनी सुंदर लगती है कि अगर फ्लावर्स नहीं भी आते तो भी ये चलती रहती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो 150 रुपीज़ मैंने इसके दिए। तो ये मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल था लेकिन बहुत प्यारा सा था। अभी मैं और शॉपिंग करने वाली हूँ, विंटर शॉपिंग, पिटूनिया, ये वो। वैसे मैंने बहुत सारा अपने घर में ग्रो किया हुआ है लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई मैं उसको सीड्स लगाने में, अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, वो भी होगा, वो भी मैं ज़रूर आपको सब डायंथस, पिटूनिया, सारे मैंने जिरेनियम सब ग्रो कर रही हूँ, मैं वो सबसे मिलवाने वाली हूँ आपको बहुत जल्दी। लेकिन आज तो इतना ही, लेकिन रिक्वेस्ट तो करनी है, ज़रूरी होती है मुझे, तो उसी के चलते मैं कर लेती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इंस्टाग्राम हैंडल भी तो है सुमन की बगिया, उसको भी फॉलो करते रहिए और मेरी आवाज़, मेरी बातें सुनते रहिए जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों से करनी। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, फिर मिलूंगी। ओके बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।